पंजाब के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर पंजाब में माहौल और राजनीति गर्मा गई है। सिद्धू ने पाकिस्तान में भले ही खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन विरोधी उनके इस समारोह में शामिल होने पर तीखे वार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता के शिकार हुए सैनिक शहीद परमजीत सिंह के परिवार ने सिद्धू से तीखे सवाल पूछे हैं। शहीद परमजीत के परिजनों ने कहा है, सिद्धू पाकिस्तानी सेना के प्रधान बाजवा से पाक सैनिकों द्वारा शहीद जवानों के काटे गए सिर ही मांग लाए। अगर सिर नहीं ला सकते तो वीर जवानों की पगड़ी ही ले आए। दूसरी ओर भाजपा ने राष्ट्रीय शोक के समय इस तरह पाकिस्तान जाने के लिए सिद्धू पर हमला किया है। पार्टी ने उनके पाकिस्तानी सेना के प्रधान से गले मिलने के लिए सवाल उठाया है। भाजपा ने इसे शहीद सैनिकों का अपमान करार दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सिद्धू का खुलकर समर्थन किया है और उनके इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने को बहुत अच्छा कदम बताया है। पाक जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने भी सिद्धू पर निशाना साधा है। सिद्धू आज पाकिस्तान से लौटेंगे, वह अटारी बॉर्डर होकर आएंगे।